गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो सबको जोहार जय धर्म। तो अभी सुबह का टाइम है और हम तो काम कुछ नहीं किए हैं और रोहित जी खा पी के काम करने चले गए हैं। तो आज का दिन मेरी मम्मी के साथ जाने वाला है, तो ये ब्लॉग मेरी मम्मी के साथ रहेगा क्योंकि हम लोग दोनों कहीं जाने वाले हैं। बट अभी सुबह का टाइम है तो अपना सब काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से तैयार होकर मिलते हैं। तो हम तैयार व्यार हो के निकल चुके हैं, बोले तो आधा रास्ता पहुंच भी रहे हैं। हमको तो पैदल जाना होगा ना, सामने में है तो इसलिए पैदल जा रहे हैं और हाथ में सामान भी पकड़ल है। और अभी जाके कपड़ा भी चेंज करना है हमको, क्योंकि सूट पहनना है और हमको टॉप पहनने का मन है, तो कपड़ा भी चेंज करना होगा और लेट भी हो रहा है। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, उसके बाद जाएंगे मेन रोड मम्मी के साथ में। पता हमको पता नहीं है कि कौन कौन जाएगा घर से, बट इतना जान रहे कि मम्मी जाएगी। तो नानी घर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से। तो हम लोग सब कोई निकल चुके हैं और मेरे भाई मम्मी और मेरी बहन जा रहे हैं, तीनों कोई मतलब चारों कोई। तो हम लोग तो आगे आगे हैं, मम्मी लोग पीछे पीछे आ रही है। अभी हम लोग हाईकोर्ट के पास पहुँच चुके हैं और सिटी बस का वेट हो रहा है। इधर मेरा भाई और उधर मम्मी लोग खड़ी है, तो देखते हैं कितना मिनट में आता है सिटी बस। देखिए इसको झोला पकड़ने के लिए लाए हैं क्या लड़का, तो देखते हैं कितना टाइम में आएगा। हम लोग अभी आया हुआ 2 मिनट हो चुका है और यहाँ पर का बैकग्राउंड कुछ दिखाते हैं। तो ये है हम लोग का झारखंड उच्च न्यायालय, यहाँ पर ही सिटी बस लगता है। तो सिटी बस पर जाएंगे तो गाड़ी बदली नहीं करना पड़ेगा बोल के हम लोग वेट कर रहे हैं, बट देखते हैं मिलता है कि अब ऑटो से जाना पड़ता है। और इधर विधानसभा है बगल में, तो देख सकते हैं आप लोग। तो आज संडे होने के चलते सिटी बस नहीं मिला, तो हम लोग को ऑटो ही से जाना पड़ा बिरसा चौक तक। उसके बाद बिरसा चौक से तो हम लोग को मिल गया था सिटी बस, तो हम लोग सब कोई ऑटो में बैठ चुके हैं। और अभी हम लोग बोले थे बिरसा चौक पहुंचने वाले हैं, तो बिरसा चौक से वो पहुंचने से पहले यहाँ पर घुमान टाइप में रास्ता है, तभी वहीं पर है। तो हम लोग अभी सिटी बस में बैठ चुके हैं और मम्मी है इधर, हाय बोला। और बाबू और मेरी बहन आगे में बैठी है और हम लोग दोनों पीछे में बैठे हैं। तो अभी चलते हैं मेन रोड शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग मेन रोड पहुंच चुके हैं, तो हम लोग सबसे पहले वेंडर मार्केट जाते हैं क्योंकि मम्मी बोली कि चलो पहले वहीं घूम के आते हैं बोल कर। तो हम लोग चारों वेंडर मार्केट पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो मम्मी को घूमना है वेंडर मार्केट, तो फर्स्ट टाइम आई है, वो लोग नीचे से आ रही है। तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है अंडर मार्केट। तो मेरा महिमा फर्स्ट टाइम आई है, तो गाइस मेरी मम्मी लोग कपड़ा पसंद आ रहा है बट उन लोग का दाम में नहीं मिल रहा है, जो रेट में खरीदना है उसमें नहीं मिल रहा है। तो हम और मेरी बहन इधर से उधर घूम के अपना सामान खरीद रहे हैं पर उन लोग को मिल ही नहीं रहा है। तो एक घर जाके दिखाएंगे क्या क्या लिए हैं। तो अभी ऊपर वाला फ्लोर में आए हुए हैं हम लोग, कुछ देखेंगे अभी। तो ऊपर में हम लोग बोले तो 100 रुपये में कुर्ती मिलता है, इसीलिए देखने के लिए गया था तो पसंद नहीं आया तो रिटर्न आ गए। घर में पहनने के लिए लेंगे सोच, बट अच्छा नहीं लगा तो नीचे आ गए हैं, दिखाते हैं कहाँ पर मिलता है।
नीचे से ही दिखाएंगे क्योंकि नीचे आ चुके हैं हम। तो देख सकते हैं ऊपर में वहाँ पर 100 रुपये का कुर्ती मिलता है, और यह है नीचे, हम बीच में हैं, और ये इधर मेरा भाई आ गया है बेचारा, कपड़ा है पसंद नहीं आ रहा इसको तो। और उधर मम्मी कपड़ा पसंद कर रही है, अपना दामाद के लिए ले दे रही है। तो गाइस आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए ये हम लोग दोनों बहन का हाथ है, और ये काला कालू उल्टा मेरा भाई का हाथ। तो गाइस ये लड़का हम लोग से एक भी मैच नहीं करता है, हम लोग दोनों को देखो गोर गोर दिख रहे हैं। तो गाइस मेरी माँ को वेंडर मार्केट से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए दोबारा घुमा घुमा के हम लोग को लेके आ रही है। गाइस बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद 3 घंटा के बाद मेरी मम्मी वेंडर मार्केट से निकली है, और अभी मेरा साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी आधा रास्ता पहुंच भी चुके हैं, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो साड़ी वड़ी खरीद के शॉपिंग वॉपिंग करके अब हम लोग निकल चुके हैं। बहुत लेट से घर आए थे, और अभी खाना सब्जी बना रहे हैं, चिकन और पुलाव भात। तो दिखाते हैं आप लोगों को, तो इसमें पुलाव का तैयारी चल रहा है, हम ही बना रहे हैं। और इधर चिकन है, देख सकते हैं, तो हम लोग खाना वाना खा के अभी बोले तो 10 बजे घर आ चुके हैं। देखिए टाइम तो 10 बजे घर आ चुके हैं, 5 मिनट बचा हुआ है 10 बजने में, तो घर आ चुके हैं। और अभी हम लोगों को दिखाते हैं आज क्या क्या हम शॉपिंग किए हैं, और हो सके तो इसका रेट भी बताएंगे कि कितना कितना का है। तो चलते हैं। तो रोहित जी को हम मोबाइल पकड़ा दिए हैं, और अभी दिखाते हैं कि हम क्या क्या लिए हैं। तो ये पैर पोछने वाला लिए हैं, जो कि हमको पड़ा है 100 रुपये में। इसको खोल के दिखाते हैं, बाकी बात को तो नहीं दिखाने पाएंगे क्योंकि रात ज़्यादा हो गया। तो ये बाहर वाला गेट के लिए इतना बड़ा लिए हैं पैर पोछने वाला, इससे पैर कुछ नहीं पछाएगा, बस इस टाइप के लिए होता है ये। तो ये साड़ी है जो कि हम लिए हैं, तो इसका रेट आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये कितना का हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा है, और ये आंचल है, तो इसका रील्स देखने को मिलेगा आप लोगों को, इसको पहन के रील्स बनाएंगे। तो मटन भी बहुत टाइम है, मामू का शादी के लिए लिए हैं ये सब सामान, तो मामू का शादी है मेरा मामू का, तो उसी के लिए शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे हम लोग। तो मेरे भाई का और मेरा कपड़ा खरीदाया आज, और रोहित जी के लिए मम्मी शर्ट खरीदी है, और ये वाला पेटीकोट उसी का मैचिंग है। तो ये है 130 रुपये का है ये वाला, ये तो पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है। तो ये नाइटी ले दी है, मतलब नहीं है मेरे पास घर में, तो इसी के लिए ले दी है मम्मी। तो
तो ये है 150 का है ये, और ये आईलाइनर ले लिए हैं 40 रुपये में, नहीं ये 50 रुपये में, और ये है स्कार्फ है ये तो 50 इसका भी पड़ा है, और ये कपूर लिए हैं 50 रुपये में, 50 है इसका 10 मिस्टेक हो जाता है, और ये मस्करा 50 रुपये में है, और ये कान का मतलब सेट ऐसा दिख रहा है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। तो ये वाला कम से कम 250 तक में पड़ा होगा, सब एक ही साथ में लिए थे, मैं कंफ्यूज हो रहे हैं भी। और ये पार्सल अभी आया था मेरा, तो इसका पैसा तो पहले ही दिया हुआ था मेरा, तो अनबॉक्स करके दिखाते हैं कैसा, हम भी नहीं देखे हैं। ये साड़ी कम से कम 460 रुपया पड़ा होगा हमको, तो हम पहले ही इसका पैसा दे दिए थे। अच्छा ही है बट ठीक ही तो लग रहा है, हमको ना बहुत मुश्किल से कुछ पसंद आता है और पसंद भी आता है ना तो बहुत बोलता अच्छा, जो कि सबको पसंद आने लगता है। तो ये ब्लाउज पीस है, और इधर खड़ा होकर दिखाते हैं आप लोगों को, तो ये ब्लाउज पीस है और इधर है, ठीक ही लग रहा है। कभी कभी पहनना भी चाहिए ऐसा कलर। और ये आंचल है, आंचल कुछ ऐसा। तो बस इतना ही शॉपिंग किया है गाइस, तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं और गुड नाइट होने जा रहा है, तो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं और सबको को गुड नाइट बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा रात हो रहा है ना। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ बोलिए सबको गुड नाइट है तो गुड नाइट। और जो नए होंगे मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद करके, तो बाय बाय गुड नाइट सबको।